अल्लाह ऐसी मोहब्बत अदा करे और इजाफा करे जिसमें इज्तिमाई तौर पर कौम और मिल्लत और मजलूम और गरीब आवाम का फायदा हो। मेरे भाई, जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे थे, मैं बहुत कोशिश किया कि यहाँ पर इस आपके इस बस्ती में आऊं, आपके वार्ड में आऊं, आपके इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में आऊं, मगर मुझे नहीं आने दिया गया। मैं बहुत कोशिश किया कि मुझे जलसे का परमिशन मिले, मगर आप जानते हैं कि सिद्धारामैया ने पुलिस से कह दिया था कि बेंगलुरु में कहीं पर भी असदुद्दीन ओवैसी का जलसा नहीं होना चाहिए, और सिद्धारामैया के इस हुक्म पर मेरी आवाज को दबा दिया गया। मुझे आपके सामने आकर आपके मसाइल के बारे में बयान करने का मौका नहीं मिला। सिद्धारामैया ने यह कोशिश की कि मैं आपके दरमियान में आकर आपके तकालीफ को ना बयान कर सकूं। सिद्धारामैया ये नहीं चाहता था कि मैं आपके दरमियान में आकर इस बात को कह सकूं कि हम क्या करना चाहती हैं, हमारा क्या प्रोग्राम है, हमारी क्या पॉलिसी है। और आप देखते हैं कि यही कांग्रेस की हुकूमत जो आज बड़े बड़ी बातें करती हैं, दावे करते हैं कि हमको जमहूरियत पर यकीन है। कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे थे तो मुझे एक जलसा करने की इजाजत नहीं दी गई। मैंने जाकर, हमारे जिम्मेदारों ने जाकर, इब्राहिम साहब ने जाकर मुलाकात की बड़े बड़े अहदेदारों से और उनसे कहा कि क्यों परमिशन नहीं देना चाहते आप जलसे का, तो लोग कह रहे थे कि आप जलसा कर लो मगर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी को जलसे में नहीं बुलाना। बताइए मेरे भाई, ये हुकूमत कैसी हुकूमत है कांग्रेस की जो जमहूरियत पर यकीन की बात भी करती है। और मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं पार्लियामेंट में खड़े होकर ना सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे हिंदुस्तान के गरीब और मजलूम आवाम की नुमाइंदगी अदा करने की कोशिश करता हूं। मैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं जिसने हिंदुस्तान के आईन पर, हिंदुस्तान के संविधान पर मैंने ओथ लिया, हल्फ किया। मैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर उनकी हुकूमत पर तनकीद कर सकता हूं, मगर ये सिद्धारामैया की हुकूमत ने मुझे बेंगलुरु के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन में एक भी पब्लिक मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी। अफसोस तो इस बात का होता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन भी है और स्टेट इलेक्शन कमीशन खामोश बैठा रहा। मेरे भाई, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आप कांग्रेस का असली चेहरा जान सके। आपको ये भी मालूम होगा कि जब मुझसे कहा गया कि आप पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, तो मैंने कहा कि मुझे पुलिकेश्वर नगर के गली कूचों में पैदल दौरा करने की इजाजत दो, मैं अपने म्युनिसिपल कैंडिडेट के साथ आपके महल्ले में आऊंगा, आपके गली में आऊंगा, आपके घर में आकर आपसे बैठकर आपका हाथ मिलाकर आपसे मुलाकात करना चाहूंगा। तब भी सिद्धारामैया ने कहा कि नहीं, असदुद्दीन ओवैसी पुलिकेश्वर नगर के गरीब इलाकों में, गली कूचों में नहीं जा सकता, हम उसको पैदल दौरा पद यात्रा का भी परमिशन नहीं देंगे। आप बताइए कैसी हुकूमत है जिसने एक म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ा और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक जलसा करने की इजाजत नहीं दी, मुझे पैदल दौरा करने की इजाजत नहीं दी गई। मैं होटल में था तो होटल्स को बोलकर मुझे दो होटलों से निकाल दिया गया। बाद में हमने बेंगलुरु में दो बेवाओं के फर्निश फ्लैट को हासिल किया। रात के 2 बजे आकर
वो दोनों बेवा बहनें रो रही थी और हमारे सामने कह रही थी कि आप लोग हमारी बिल्डिंग को फ्लैट्स को खाली कर दो, इसलिए कि अगर आप नहीं खाली करेंगे तो फिर गवर्नमेंट हम पर दबाव डाल के पुलिस के जरिए हम पर केस बुक कराएगी। रात के 2:30 बजे मैं अपना बैग लेकर रोड पर निकलता हूं और फिर बेंगलुरु से कहीं दूर जाकर एक 5-स्टार होटल में कमरा लिया। आपको याद इसलिए दिला रहा हूं कि उस जमाने में अगस्त के महीने में इलेक्शन हो रहे थे, मैंने कहा कि मैं 15 अगस्त को यही आपके इस इलाके में पुलकेश्वर नगर में आकर तिरंगा लहराना चाहता हूं। तो मुझसे कहा गया कि अगर आप होटल से बाहर निकलेंगे तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। बताइए कौन सी कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मैं एक पार्टी का प्रेसिडेंट हूं, मेरी पार्टी कर्नाटका स्टेट इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, मेरे कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ रहे, मगर सिद्धारामैया ने कह दिया कि नहीं, असदुद्दीन अवैसी को हम पब्लिक मीटिंग करने नहीं देंगे, हम असदुद्दीन अवैसी को पुलकेश्वर नगर के गरीब बस्तियों में आकर गरीबों से मुलाकात करने नहीं देंगे, हम असदुद्दीन अवैसी को 15 अगस्त के दिन तिरंगा भी नहीं लहराने देंगे। आप बताइए कि मुझे रोक दिया गया, मैं खामोश बैठा रहा, सबर करता रहा और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों ने मुझसे कहा कि नहीं असद साहब, हम 15 अगस्त को पुलकेश्वर नगर में जाकर तिरंगा लहराएंगे। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से यहाँ पर किसी को तकलीफ हो। मैं सुबह फजर की नमाज के बाद खामोशी से निकलकर एयरपोर्ट चला गया और फ्लाइट लेकर दिल्ली को रवाना हो गया। ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है, ये इनका तरीका है। जो आवाज इनको पसंद नहीं आती, क्योंकि सिद्धारामैया और कांग्रेस पार्टी जानती है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी आएगा तो गरीबों के दिलों में जो तकलीफ है उसको बयान करेगा। सिद्धारामैया नहीं चाहता कि असदुद्दीन ओवैसी की जबान से पुलकेश्वर नगर के रहने वाले गरीबों की उनकी तकलीफ को कोई बयान कर सके। सिद्धारामैया नहीं चाहता था कि मैं आपकी तकलीफ को बयान करूं। सिद्धारामैया नहीं चाहता था कि मैं नौजवानों की तकलीफ को बयान करूं। सिद्धारामैया नहीं चाहता था कि इस इलाके में बसने वाले गरीबों के स्कूल की बात करूं। सिद्धारामैया नहीं चाहता था कि पुलकेश्वर नगर में अगर बारिश हो जाती है तो दो दो घंटे तक पानी घरों में घुस जाता। सिद्धारामैया नहीं चाहता था कि गरीबों की मैं बात करूं, मगर मैं अब सिद्धारामैया से पूछ रहा हूं, बताओ सिद्धारामैया, मैं आज पुलकेश्वर नगर में खड़ा होकर तुम्हारे बारे पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं। आज तुम नहीं रोक पाए मुझे, मैं सिद्धारामैया को बता रहा हूं कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा सिद्धारामैया, मैं कर्नाटका को, बेंगलुरु को, पुलकेश्वर नगर को आता रहूंगा। ये अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हुआ तो कांग्रेस पार्टी बड़ी बेचैन हुई, पेट में दर्द शुरू हो गया, सिद्धारामैया को सिर में दर्द शुरू हो गया, उनके पार्टी वालों को खाना हजम नहीं हो रहा, वो ये समझ रहे थे कि हम पार्टी क्या करेंगे। हमने ये फैसला लिया मेरे भाई कि हम असेंबली इलेक्शन में अपने कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे। क्यों नहीं खड़ा करेंगे? क्योंकि हम जानते हमारी ताकत को, हमारी कमजोरी को। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आइंदा जब इलेक्शन होगा तो मजलिस पार्टी नहीं लड़ेगी। हमने एक फैसला लिया कि कर्नाटका की आवाम की भलाई के लिए, पुलकेश्वर नगर के गरीबों की भलाई के लिए हमने ये फैसला लिया कि हम जेडीएस देवेगौड़ा साहब की पार्टी की तारीफ करेंगे। और हमने क्यों फैसला लिया? हमने फैसला इसलिए लिया मेरे भाई कि आपने पिछले मर्तबा असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस को कामयाब किया, उससे पहले आपने बीजेपी को कामयाब किया कर्नाटका में। इन दोनों पार्टियों ने क्या किया कर्नाटका के गरीब आवाम के लिए?
इन दोनों पार्टियों ने किसानों के लिए क्या किया? इन दोनों पार्टियों ने पुलकेश्वर नगर के गरीबों की इस बस्ती में डेवलपमेंट लाने के लिए क्या किया? आप जानते हैं कि दोनों ने कुछ नहीं किया, बल्कि पुलकेश्वर नगर के जो कांग्रेस के एमएलए थे उन्होंने क्या किया? उनको वोट मिला आपका, मगर कभी नजर नहीं आए इस इलाके में गरीबों की, दलितों की और मजलूम आवाम की बस्ती में। सिद्धरामैया उनको बुला के बोला आजा, सिद्धरामैया उनको बुला के बोला आजा, मैं तेरे को कुछ दे देता हूं। उन्होंने उसके लालच में आके वहां भाग गए। आप बताइए कि सिद्धरामैया इनको बुला के चॉकलेट दिया, इन्हें चॉकलेट कैडबरी खा ली, पुलकेश्वर नगर के गरीबों को भूल गए। सिद्धरामैया बुला के इनको बोला चॉकलेट होना, फाइव स्टार होना, क्या होना ले ले। अरे तुम सिद्धरामैया को बोलते मेरे को चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे कैडबरी नहीं चाहिए, मुझे पुलकेश्वर नगर के गरीबों के इस बस्ती में स्कूल चाहिए, रोड चाहिए, पीने की पानी की लाइन चाहिए। जब बारिश हो तो यहाँ पर घरों में पानी नहीं आया, मगर जिसको आपने वोट दिया उन्हें उड़ के चले गए सिद्धरामैया के पास। मेरे भाई, ऐसे लोगों को आप, ऐसी पार्टी से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं? हर महाज पर कांग्रेस पार्टी नाकाम साबित हुई, इसीलिए हमने फैसला किया कि कर्नाटका में हम जेडीएस की तायीद करेंगे। और मेरा मानना यह है कि रीजनल पार्टी अगर कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला कर्नाटका में, तो ये ना सिर्फ पुलकेश्वर नगर की गरीब आवाम के लिए बल्कि कर्नाटका की गरीब आवाम के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। रीजनल पार्टीज ही काम कर सकती हैं, ये दोनों नेशनल पार्टीज, ये कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों जुड़वा भाई हैं, आजूज माजूज की जोड़ी है दोनों, ये दोनों मैच फिक्सिंग करके बैठ लिए। तू नहीं बैठा तो हम बैठेंगे, हम नहीं बैठा तो तू बैठ जा। तेरे को बोटी नहीं मिली तो एक बार मैं खाता हूं बोटी, दूसरे बार तू खा ले बिरयानी। ये दोनों नेशनल पार्टीज ने मिलकर कर्नाटका की आवाम को नुकसान पहुंचाया, कर्नाटका का बेड़ा गर्क कर दिया। और सिद्धरामैया एक नाकाम और फेलियर चीफ मिनिस्टर है। कांग्रेस पार्टी हर महाज पर नाकाम साबित हुई है। और मेरे भाई, आप जानते हैं कि जो शख्स जिसने जिंदगी लगा दी कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसके खानदान ने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना खून पसीना बहाया, हमारे भाई प्रसन्ना कुमार ने क्या गलती की सिद्धरामैया बताओ, कि तुमने उनको टिकट नहीं दिया और ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसको तुमने चॉकलेट खिलाया, वो चॉकलेट के लिए तुम्हारे पास भाग गया। जो हमारा भाई प्रसन्ना कुमार जो ये कोशिश करते आया खानदानी तौर पर आपके असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इनके खानदान पर इनका खिदमत का रिकॉर्ड है। सिद्धरामैया ने कहा कि तुम्हारे रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, तुम्हारे कुर्बानियों की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मेहनत की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ चापलूसी और चमचों की जरूरत है। इसीलिए सिद्धरामैया ने इनको पार्टी से दूर कर दिया। अब पुलकेश्वर नगर की गरीब आवाम की जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप हमारे भाई को कामयाब करिए, प्रसन्ना साहब को कामयाब करिए, आप ऐसे आदमी को कामयाब करिए जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट लेकर आएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि अब की बार आप इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बहुत से मसाइल हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि आप हमारे भाई को कामयाब करिए। मैं इनसे लड़कर इंशाअल्लाह ताला इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके मसाइल को, यहाँ पर गरीब नौजवानों के लिए स्कीम लाई जाएगी, यहाँ पर आपके इलाकों में जो पीने के पानी की लाइन की जरूरत है नई साफ पानी की लाइन डाली जाएगी, ये जो कचरा यहाँ पर जमा होता है ये कचरा को निकालो, एक नई शुरुआत आपको करना, अपने भाई को कामयाब करिए।
मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि 12 तारीख के दिन आप सुबह सुबह निकलकर अपना एक एक वोट जेडीएस पार्टी के हक में इस्तेमाल करिए। कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि जेडीएस को वोट दिए तो बीजेपी को चले जाते, हर वक्त वही बोल रहे। जब मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा था तो पूरे कांग्रेस ही पुकार रहे थे ओवैसी आएगा तो वोट काटेगा, पूरे कांग्रेस ही पुकार रहे, नहीं ओवैसी कहीं को आ रहे नहीं आना, आप आए तो वोट कटिंग होगी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करता। बहुत खुश हुए। फिर जब मैं ऐलान किया कि मैं देवेगौड़ा का साथ दूंगा तो वो सर पकड़ के बोले रही ये क्या कर दिए भाई। मैं इसलिए किया हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड आप और हम जानते हैं मेरे भाई। बीजेपी अगर 280 सीट हिंदुस्तान में लाई लोकसभा के, तो किसकी वजह से बीजेपी कामयाब हुई? कांग्रेस पार्टी की वजह से मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, आपके हमारी वजह से नहीं बने। कांग्रेस पार्टी बोलती कि वो वैसी कम्युनल आदमी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कांग्रेसियों से, बल्कि मैं सिद्धारामैया से पूछना चाहता हूं, बताओ सिद्धारामैया 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में तुम्हारा कैंडिडेट रिजवान अगर हार गया तो उसको किसने हराया? किसने हराया रिजवान को? हम हराए? हमारा कैंडिडेट था, किसका कैंडिडेट था? फिर वहां पर 2014 का लोकसभा का इलेक्शन कर्नाटका में एक भी मुस्लिम अकलियत से एमपी कामयाब नहीं हुआ, मेरा कैंडिडेट तो नहीं था ना, तो फिर सिद्धारामैया तुमने क्यों नहीं कामयाब किया रिजवान को? कैसा वोट कट गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई, क्या आपने 2014 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने मोदी को वोट दिया? आपने मोदी को वोट दिया? तो फिर क्यों नहीं कामयाब हुआ यहां से, कर्नाटका से, बेंगलुरु से? पूछो सिद्धारामैया से, अरे तुम्हारे कांग्रेस पार्टी के लोग मोदी के गोद में जाके बैठ गए, नमस्ते कर रहे थे उसको। और फिर सिद्धारामैया के उनके ये तमाम छोटे बच्चे बोले इसी हिसाब हो जाए, बोलेंगे हम क्यों नहीं बोलेंगे? तुम्हारे अच्छों को भी बोलेंगे, तुम्हारे बड़ों को भी बोलेंगे, तुम्हारे सबको बोलेंगे। एक भी माइनॉरिटी का एमपी कामयाब नहीं हुआ लोकसभा में, मैं जिम्मेदार हूं। पूछो ये कांग्रेसियों से, वोट कौन डिवाइड किए, कौन बीजेपी को कामयाब किए? 18 या 19 एमपी बीजेपी के कामयाब हो गए। सिद्धारामैया आप क्या सीटी बजा रहे थे? आप क्या चॉकलेट खा रहे थे? मेरे भाई यही बात आपको समझने की जरूरत है कि कांग्रेस पार्टी का मसला क्या है, बताता हूं मैं आपको। जब तक आप उनके साथ रहे उन्होंने आपको बहुत अच्छा बोलते, जैसा आप उनके सामने खड़े होकर बोले सिद्धारामैया पुलकेश्वर नगर की गरीब आवाम के लिए काम करो, तो सिद्धारामैया बोलते थे कम्युनल हो गया, इन्हें डिवाइड करना चाह रहा है। मेरे भाई इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जितनी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है कम्युनिज्म के फरोख में, उतनी ही जिम्मेदार बीजेपी है। इन दोनों नेशनल पार्टीज ने मिलकर कर्नाटका का बेड़ा गर्क कर दिया। अब कर्नाटका की आवाम के पास एक ऑल्टरनेटिव है जेडीएस के रूप में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। फिर कांग्रेस पार्टी बार बार ये पूछती है नहीं इनको रोकना है। मेरे भाई रोकना अगर है तो रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारी नहीं है। हमने कभी भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो फिर बताओ 280 सीट पर मोदी कैसे कामयाब हो गया? और मेरे भाई कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया, बड़ा इलेक्शन मैनिफेस्टो है। उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में मेरे भाई एक लफ्ज भी, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक लफ्ज भी मुसलमान नहीं। पूछो इनसे आप कांग्रेस पार्टी से कि क्यों नहीं लिखा गया? हिंदुस्तान में मुसलमान माइनॉरिटी है,
आर्टिकल 29 और 30 है उसमें लिखा गया माइनॉरिटी के ताल्लुक से, एक लफ्ज नहीं है। और फिर हमारे आप मुल्क के इस नगर में आके पुकार रहे, अरे हम तुम्हारे भाई हमारे भाई, अम्मा के भाई, सगे के भाई, मामा के भाई, मगर लिखेंगे नहीं मैनिफेस्टो में। मेरे भाई ये इनकी हकीकत है। माइनॉरिटीज का बजट था कितना रिलीज करे आप जाकर देखो, सिर्फ 40% बजट रिलीज हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला कर्नाटका में और यहां से हमारे भाई कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह ताला माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट का बजट आप देखेंगे कि कम से कम 8,000 करोड़ रुपये कुमारा स्वामी चीफ मिनिस्टर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। खाली 2,000 करोड़ का ऐलान कर रहे हो उसमें से 40% रिलीज नहीं करते। कुमारा स्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाइए और इंशाअल्लाह ताला माइनॉरिटीज का बजट आठ हजार करोड़ का माइनॉरिटीज डेवलपमेंट का बजट करेंगे। और मेरे भाई शुरू हो जाने भैया।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आज से अर्ज कर रहा था कि कर्नाटका में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट को बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और ये उसी वक्त होगा जब आप कुमारा स्वामी को इंशाअल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर कर्नाटका बनाएंगे। हमारे भाई प्रसन्ना कुमार साहब को यहाँ का एमएलए बनाएंगे, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट 1,000 करोड़ रुपीस करेंगे, ताकि यहाँ पर पूरे कर्नाटका में जो मसाइल है, प्रॉब्लम्स है, उसको हल किया जा सके। मेरे भाई, हमारे भाई एक दलित है और मैंने हमेशा कहा और आज भी कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की आज़ाद तारीख में हमारे मुल्क को आज़ाद होकर करीब 70 साल का लंबा अरसा गुजर चुका है और असदुद्दीन ओवैसी का मानना यह है कि आज़ाद हिंदुस्तान में अगर कोई सबसे बड़ा लीडर गुजरा है जो महात्मा गांधी से ही बड़ा लीडर था तो बाबा साहिब अम्बेडकर थे। इसलिए मेरे भाई, ये अम्बेडकर ने ही हिंदुस्तान के संविधान को और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे बड़ा अहम रोल अदा किया। उसी बाबा साहिब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा रही है कांग्रेस और बीजेपी। वही बाबा साहिब अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन जिसका प्रीएम्बल ये कहता है इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी। अब आप बताइए कि हमारे मुल्क में और कर्नाटका में कहां तक इक्वालिटी और इंसाफ की बातें की जा रही है, कहां तक लिबर्टी आजादी की बात की जा रही है, कहां तक फ्रेटर्निटी की, भाईचारे की बातें की जा रही है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको बाबा साहिब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना है और उस बचाने का काम हिंदुस्तान की रीजनल पार्टीज करेंगी। अगर हम रीजनल पार्टीज का साथ नहीं देंगे तो फिर ये संविधान को और कमजोर करेंगे तमाम फासिस्ट और कम्युनल फोर्सेस। मेरे भाई, एक सवाल ये पैदा होता है, इल्जाम लगाया जाता कि नहीं, अगर वोट डिवाइड होगा तो बीजेपी को फायदा होगा या फिर जेडीएस जाकर बीजेपी की तायीद करेगी। मैं आपको साफ और वाज़े अल्फाज में बताना चाहूंगा कि मैंने एक नहीं कई मर्तबा कुमारा स्वामी से बात की और उनसे बार बार ये सवाल किया कि लोगों में एक शुबा है कि इलेक्शन के बाद आप बीजेपी में चले जाएंगे, तो कुमारा स्वामी के अल्फाज ये थे। कुमारा स्वामी ने कहा कि ब्रदर असदुद्दीन ओवैसी, सवाल ही पैदा नहीं होता मोदी और बीजेपी के साथ जाने का। कुमारा स्वामी ने यह कहा कि हमको 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ना है, हमको नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकना है, हमको कर्नाटका में बीजेपी को हराना है, ना सिर्फ असेंबली के इलेक्शन में बल्कि पार्लियामेंट की सीटों पर भी बीजेपी को हराना है ताकि हिंदुस्तान को एक नया प्राइम मिनिस्टर मिल सके। ये कुमारा स्वामी के अल्फाज है और कांग्रेस पार्टी यही बोल रही है, नहीं क्या होगा, ऐसा होगा। अरे कांग्रेस पार्टी वाले, तुम ये बताओ आप कितने सेकुलर हैं? आपको मालूम होना चाहिए मेरे भाई कि कर्नाटका में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट्स और राइट्स हुए हैं पूरे इंडिया में। नंबर 2 अगर कोई स्टेट है कम्युनल इंसिडेंट्स और राइट्स के लिहाज से तो वो कर्नाटका है। मैं सिद्धारामैया से पूछना चाहता हूं, बताओ सिद्धारामैया, क्या ये आपका गवर्नेंस है, ये आपका सेकुलरिज्म है, ये आपका लॉ एंड ऑर्डर है? केएनसीआरबी का डेटा कह रहा है
कि कर्नाटका में हिंदुस्तान का नंबर टू का स्टेट है, जहां पर 100 कम्युनल राइट्स इंसिडेंट्स हुए, 9 लोग मारे गए, 250 लोग जख्मी हुए। ये कांग्रेस पार्टी का सेकुलरिज्म का चेहरा है। कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म की बात करती, कांग्रेस पार्टी डराती है कि नहीं जेडीएस ऐसा करेगी। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, मैं सिद्धारामैया से जानना चाह रहा हूं कि कर्नाटका की जेलों में अगर 10,000 अंडर ट्रायल है तो 10,000 में कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने मुस्लिम अकलियत है, बताओ सिद्धारामैया। सुनो पुलकेश्वर नगर के मेरे दलित भाइयों, सुनो पुलकेश्वर नगर के मेरे कयूर नौजवानों, तुम्हारी दास्तान तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूं कि कैसे ये कांग्रेस की हुकूमत हमको दबा रही है, हमको कमजोर कर रही है। 10,000 में से 5,000 के करीब सिर्फ आदिवासी, दलित और मुसलमान कर्नाटका की जेलों में अटक ट्रायल है। ये सिद्धारामैया कर कांग्रेस का सेकुलरिज्म है कि हमारे बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, हमारे बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी आकर सेकुलरिज्म की बात करती है, सेकुलरिज्म की बात करती है। ये मेरा डेटा नहीं है, ये मैं अपने घर में नहीं बनाया सिद्धारामैया, ये एनसीआरबी का डेटा है। बताओ कांग्रेस पार्टी और उनके नाम लेवाओ, बताओ तुम्हारे पास इस सवाल का क्या जवाब, बताओ कौन सा तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। मैं एक एक बात को जो बयान कर रहा हूं वो सच्चाई पर वो बननी है, वो हकीकत है, वो डेटा है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। आप बताइए, फिर कांग्रेस पार्टी बोलती कि नहीं नहीं हम सबका साथ, हम सबकी सबका काम करना चाहते हैं। मेरे भाई, बेंगलुरु की तरक्की के लिए आप जानते हैं कि ये हमारा इलाका एक स्लम इलाका है, बहुत बड़ा स्लम इलाका है, और बेंगलुरु की तरक्की के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका नाम मैंने, उस कमेटी में आप देखिए किसको मेंबर बनाया गया, उस कमेटी में मेंबर किसको बनाते हैं, क्या क्या करते हैं, उसमें एक भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी से कोई नहीं है। कर्नाटक बेंगलुरु की डेवलपमेंट के लिए एक ग्रुप बनाया गया था, उसमें बेंगलुरु एक्शन टास्क फोर्स और ये तमाम चीजें बनाई गई, कहीं पर भी एक नाम नहीं। आप जब किरण मजुमदार शाह का नाम लिख सकते तो हिमालया के जिम्मेदारों का भी नाम लिख सकते थे, विप्रो कंपनी के जिम्मेदारों का भी नाम लिख सकते थे, उसमें हमारे दलित भाई को भी लिख सकते थे, मगर नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ जनाधारों की पॉलिटिक्स की बात करती है। और फिर कांग्रेस पार्टी बोलती, सिद्धारामैया बोलते, देखो मैं आपको बोल रहा हूं सेकुलरिज्म, अरे सेकुलरिज्म की तुम कौन सी बात कर रहे सिद्धारामैया? तुम्हारे लीडर राहुल गांधी, गुजरात में इलेक्शन हुआ, 85 दिन कैंपेन करे, 85 दिन में 28 दिन मंदिरों को गए, उसके बावजूद भी तुम तुम्हारे बड़े भाई मोदी को कामयाब होने से नहीं रोक पाए, वो कामयाब हो गए गुजरात में। देखो सच बोला तो आजाद हो गए। Thank you.
आज इसमें भी जरा पकड़ो, वीडियो पकड़ो साथ तुम्हारा, साथ में 2 मिनट पकड़ो, दिया अली उनको देख ले, नहीं पकड़ सकता है होगी। देखो भाई, हमारे पास क्या बोलते हैं, जब भी सच्चाई बयान करते तो आसान होती। मैं पूरा सच बयान कर रहा हूं तुम्हारे सामने अल्हम्दुलिल्लाह। और सच्चाई यही है कि कांग्रेस पार्टी बोखलाहट का शिकार हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी पुलिकेश्वर नगर के आवाम में जो एक इनकलाबी तब्दीली पैदा हुई है, जो मोहब्बत आपने हमारे प्रसन्ना कुमार साहब के लिए बताई है, उसको देखकर कांग्रेस पार्टी के तमाम जोकरा परेशान हो गए। अभी हमारे भाई बता रहे थे कि इस जलसे के लाउड स्पीकर के तार काट दिए। अरे तुम इतना छोटा काम क्यों कर रहे जी, तुम तार काट दो मेरी आवाज नहीं पहुंचाने के लिए, मेरी आवाज को पहुंचाने के लिए मुझे ये लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है सिद्धारामैया, मेरी आवाज को अल्लाह इन गरीबों के दिलों में पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह जानता है मेरा दिल में क्या है। इन्हें वायर काट दिए, सुना अभी लाउड स्पीकर। अरे तुम क्या क्या करते कर लो, तुम हार रहे से तुम परेशान होके कर रहे सब काम। तुम्हारा कैंडिडेट यहाँ पे हारने वाला है इंशाअल्लाह ताला। मेरे भाई जुल्म का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। और तारीख गवाह है कि हमेशा कुदरत ने मजलूम का साथ दिया। तारीख गवाह है कि हमेशा कुदरत ने मजलूम को जालिम पर गालिब किया। और तारीख बनाएंगे हम इंशाअल्लाह ताला। जब 15 तारीख को नतीजा आएगा तो एक मजलूम बसंदा कुमार को आप अपने वोट और दुआओं से इंशाअल्लाह ताला कामयाब करेंगे। तुम लाउड स्पीकर के आवाज काटते जाओ और तुम देखोगे कि पूरे कर्नाटका में सिद्धारामैया की आवाज ऊपर वाला काटते जाएगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड 5 साल का ये है। बोलते गरीबों के लिए मौत करेंगे। आपके इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में कई ऐसे गरीब लोग हैं जो बिल्डिंग पर लेबर का काम करते हैं। मैं उन लेबर हमारे भाइयों को बताना चाहूंगा कि बिल्डरों से कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए सेस सिद्धारामैया ने बनाया और पूरे बिल्डरों से सिद्धारामैया ने एक सेस कलेक्ट किया। बिल्डरों से कितना पैसा कलेक्ट किया मालूम आपको? 4,780 करोड़ रुपये। 4,780 करोड़ रुपये। और उसमें से कितना वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लेबरों पर इस्तेमाल हुआ? 2% भी इस्तेमाल नहीं हुआ।
और कांग्रेस पार्टी बाजा बजाती हम गरीबों के साथ है, गरीबों के साथ है। अरे जो बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें बेंगलुरु में बन गई, बन रही है, उसमें जो लेबर गरीब काम करता है धूप में खड़े होकर, बारिश में खड़े होकर, उसका 4,780 रुपए का सेस सिद्धरामैया आप 2% खर्चा नहीं कर सके। अरे तुम कौन सा गवर्नेंस कर रहे जी, तुम कौन सा गवर्नेंस कर रहे। और फिर ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते, हम दलितों के साथ है। मैं कांग्रेस पार्टी को चैलेंज कर रहा हूं और कल सुबह में आएंगे इनके जो करा हूं ऐसा बोल के गए असद ओवैसी, आके तुम्हारे साहब के सामने बोलेंगे शेरवानी आई थी हैदराबाद से, तो आप बोलना हो शेरवानी आई थी तुमको परेशान करके गए। उन आके कल बोलेंगे उनके जो करा अरे वो हैदराबाद की बिरयानी उसकी बात मत सुनो, अरे आप बोलना अरे बिरयानी है क्या तुम पूरे बोटिया घोष खाकर 5 साल में गए नहीं, तुम ही खा लिए, इतना खाए इतना खाए, ये भारत का गला है इनका भरता ही नहीं होना, इनको खाने को होना, ये होना इधर से होना, गरीब से होना, कमजोर से होना, इनका जेब भरते रहना। अब इलेक्शन आया तो बोल रहे हम गरीब वाले गरीबों को बचा क्या बाबा, तुम कोई गरीब को नहीं छोड़े, तुम उसका खून चूस लिए, तुम उसका हक अदा नहीं किए। यहाँ बारिश होती तो घरों में पानी आ जाता, पीने का पानी नहीं है, गरीबों को स्कीम में कोई हिस्सा नहीं मिलता, मगर कांग्रेस के जो करा कर कल बोलेंगे अरे उन्होंने आए थे देखो उनकी बात का यकीन नहीं करो। मेरे भाई दलित भाइयों से मैं कहना चाह रहा हूं, कल यहां कर्नाटका में एससी सब प्लान है, ट्राइबल सब प्लान है, एक्ट है 2013 का, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड में बता रहे हैं कि 27,703 करोड़, 27,703 करोड़, 37 डिपार्टमेंट्स के 440 प्रोग्राम के तहत 2017-18 में पैसे रिलीज हुए। अब हमारे दलित भाइयों को यह सोचना है कि 27,708 करोड़ में से नॉट इवन 40% का पैसा खर्च हुआ। यह सीतारामैया की हुकूमत की मोहब्बत है दलित भाइयों से, आदिवासियों से, कि 27,703 करोड़, 27,703 करोड़ का 40% खर्चा नहीं किए। डिपार्टमेंट वाइज दो तुमको सिद्धरामैया, कांग्रेस के जो करो सुनो, तुम्हारी गवर्नमेंट का रिकॉर्ड ये, लॉ डिपार्टमेंट को 1.8 करोड़ रुपए दिए, एक पैसा ने खर्चा किए दलितों के लिए, 1.8 करोड़ एससी के लिए एक पैसा नहीं। हायर एजुकेशन के मिनिस्टर को पैसा मिला, 6% खर्चा नहीं किए। यूथ एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, लेबर डिपार्टमेंट 3% भी खर्चा नहीं किया दलितों के शेड्यूल कास्ट SC ST के लिए। और इन्हों आके बोल रहे प्रसन्ना कुमार ऐसा है, उन्हें वैसा है, उन्हें कुछ भी होगा तुम सब पे भारी आएगा इंशाल्लाह ताला। मेरे भाई आपको ऐसे MLA को कामयाब करना है जो असेंबली में अगर जाएगा और इंशाल्लाह अगर कुमारा स्वामी CM बनेंगे भी तो ये हमारा भाई कुमारा स्वामी से भी लड़ेगा, बोलेगा कुमारा स्वामी अन्ना SC ST माइनॉरिटीज का तुमको देना पड़ेगा, मैं लड़ूंगा तुम्हारे वास्ते। ये कांग्रेस पार्टी वाले क्या कहते सिद्धरामैया और स्वामी जाके सर सर इन आवाज मुंह नहीं खुलता इनका, सिद्धरामैया साहब उन्होंने देख के बताया नहीं नहीं कुछ नहीं सर, आपको लड़ने वाला चाहिए, आपको आपका काम करवाने वाला चाहिए, आपको गरीबों की तकलीफ को महसूस करने वाला चाहिए, आपको एक जमीर वाला चाहिए, बेजमीर नहीं चाहिए आपको, समझो आप इस बात को, आपके गरीबों के दिलों की धड़कन को समझने वाला चाहिए, नौजवानों की आंखों में जो आंसू है उसको समझने वाला चाहिए, और वो काम हमारा प्रसन्ना कुमार आपसे करके दिखाएगा इंशाल्लाह होता है। मेरे भाई थी ना आपसे मैं अर्ज कर रहा था,
एजुकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तालीम का। पूरे कर्नाटका में, बेंगलुरु में आपको जानकर हैरत होगी कि सबसे ज्यादा बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट है। ये किसकी रिपोर्ट है? एनुअल स्टेटस रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन की है। और ये कांग्रेस वाले बताओ कितने स्कूल यहां पर चल रहे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने स्कूल चल रहे, कुछ स्कूल में क्या हाल है? स्कूल में टीचर नहीं है, बैठने को कुर्सी नहीं है, लिखने को ब्लैक बोर्ड नहीं है, बच्चों को टॉयलेट नहीं है, मगर मोदी और सिद्धारामैया स्वच्छ भारत शौचालय की बात करते रहते। मेरे भाई ये हाल हो चुका है। हायर एजुकेशन में देख लो आप, कर्नाटका बहुत पीछे हो गया हायर एजुकेशन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की AISHE की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में लिखा गया कि कर्नाटका में पूरे साउथ इंडिया में लोवेस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, लोवेस्ट है कर्नाटका में। ये सिद्धारामैया की गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। किसान आप देख रहे हैं, किसान परेशान है, मगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलके अब बोल रहे, देखो आप। मोदी पहले क्या बोले, देवेगौड़ा की तारीफ करे, ये कांग्रेस बोले देखो इन्हों तारीफ करे। दूसरे दिन मोदी बोला जेडीएस तीसरे नंबर पर, फिर मोदी जाके बोला जेडीएस को हराओ, कांग्रेस बोलती नू बी टीम। मेरे भाई इन दोनों को मालूम कि अगर कोई मर्द है जो मुकाबला कर सकता है सिद्धारामैया से और मोदी से तो कुमार स्वामी है, इसीलिए दोनों बोल रहे जेडीएस। वहां हमारे हैदराबाद में एक बात बोलते हैं लोग, बीजेपी भी जेडीएस को बोल रही, कांग्रेस भी बोल रही। हम लोग हैदराबाद में कहावत बोलते कि फंस गई रजिया गुंडों में। ये दोनों मिलके इनू आ जा रहे इनू आ रहे, तुम कौन होते भाई? जमहूरियत में आवाम फैसला करने वाली है। अच्छा अब ये सिद्धारामैया को बहुत बोले और बोलू बस है ना, अब मोदी के बारे में बोलेंगे, मित्रों के बारे में बोलेंगे। हिंदुस्तान के वजीर आजम आज गए, आज इलेक्शन रैली में बोल दिए सुल्तान सुल्तान का जिक्र कर दिए। हम मोदी साहब को बताना चाह रहे कि हिंदुस्तान का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, ए ठहरो जी सुनो, सुल्तान के बारे में, टीपू के बारे में बोलो सुनो, जब हिंदुस्तान का संविधान बना, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की पहली कॉपी बनी, फर्स्ट कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी, उसमें राम की भी फोटो है, उसमें मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन की भी फोटो है, और जो पार्लियामेंट में रखी गई किताब में देख के आया उसमें पेज नंबर 144 पर मिस्टर मोदी, पेज नंबर 144 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पहली की लिखी गई किताब, उसमें टीपू सुल्तान की भी फोटो है झांसी की रानी के साथ। अब बताओ मिस्टर मोदी, तुम निकाल सकोगे उसको? अब बोल दिए नहीं सुल्तान। अरे मिस्टर मोदी वो छोड़ो, टीपू तो आज अपनी खबर में आराम से सीना तान कर सो रहा है, वो शेर आज भी सो रहा है, उसकी फिक्र मत करो तुम। हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से पूछना चाह रहे, आप दिल्ली के बादशाह, आपने हिंदुस्तान के लिए क्या किया? आप टीपू सुल्तान की बात किए, वो सुल्तान जिसकी मौत से पहले कई खवातीन ने अपनी जान दे दी, अरे हिंदुस्तान की तख्त पर बैठने वाले मोदी बादशाह, क्या जम्मू में एक 8 साल बच्ची का रेप हुआ, जिसने उस बच्ची का रेप किया मिस्टर मोदी, उसकी पकड़ने वाले जो पकड़े गए उनकी ताईद में क्या आपके मिनिस्टरों ने जुलूस नहीं निकाला मिस्टर मोदी? क्या आप हिंदुस्तान के वजीर आजम है? हम दिल्ली के बादशाह से पूछना चाह रहे हैं, हम दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले बादशाह से पूछना चाह रहे हैं, मिस्टर मोदी कठुआ में जो वाकया हुआ,
उसमें आपके पार्टी के लोग आज भी कह रहे हैं सीबीआई की इंक्वायरी कराओ। शेम शेम। बताओ आप एक 8 साला बच्ची से मुंह काला किया गया, उसको किडनैप किया गया, उसको ड्रग्स दिए गए, उसको रेप किया गया, उसके बाद उसके सर को पत्थर पर मारकर मार दिया गया और जिनको पकड़ा गया उनकी तारीफ बीजेपी कर रही। हाँ फिर सच बयान करो फिर ताला। कैसे हिंदुस्तान के वजीर आजम जो दिल्ली के तख्त के बादशाह बने बैठे हैं वो आज बात किए कि सुल्तान की बात किए। हिंदुस्तान के वजीर आजम सुनो, आज एक और अनाउंसमेंट हुआ जिसको सुन के कांग्रेस और बीजेपी के और बेचैनी होंगे। पेट में दर्द होगा। कुमारा स्वामी ने ऐलान कर दिया कि कुमारा स्वामी सीएम बनने के बाद जेडीएस की गवर्नमेंट बनेगी, हमारा भाई प्रसन्ना कुमार मिनिस्टर बनेगा। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह। कुमारा स्वामी ने ऐलान किया कि नॉर्थ कर्नाटका में वो एक टीपू यूनिवर्सिटी बनाएंगे इंशाअल्लाह। ये काम होना जी, काली जयंती बनाए तो क्या हो रहा, लोगों को पढ़ाना, गरीब बच्चे पढ़ना, स्कूल को जाना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, आईपीएस ऑफिसर बनना। सिद्धरामैया बोल रहे काली जयंती मना लो, कुछ समझा रहे यूनिवर्सिटी दो, स्कूल दो। तो कुमारा स्वामी ने ऐलान किया कि नॉर्थ कर्नाटका में एक टीपू यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। मैं इसका वेलकम करता हूं और हम हिंदुस्तान के वजीर आजम से बोल रहे, आप सुल्तान सुल्तान की फिक्र न करो, हमारा आप कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा असल सुल्तान तो सुल्तान हिंद काजा गरीब नवाज है, इसीलिए उनको बोलते सुल्तान हिंद। और आप पुकारते रहो कुछ नहीं होगा मिस्टर मोदी, आप हर महाज पर नाकाम साबित हुए। आप ऐलान कर दिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उस पे ऑर्डिनेंस लेके आएंगे ट्रिपल तलाक के ऊपर। मेरे भाई, जब पार्लियामेंट में ये मुस्लिम मैरिज एक्ट का बिल लाया गया था, आपको जानकर हैरत होगी कि कौन सपोर्ट किया कौन मुखालिफत किया। ये जो मुस्लिम मैरिज एक्ट लाया गया, बिल लाया गया, जब लोकसभा में डिबेट हो रही थी, मैं सिद्धारामैया से पूछना चाह रहा हूं क्या आपकी पार्टी के एमपी बीजेपी का साथ
है, बोला रे भाई हमारी शनाख्त है, ये हम गरीबों की पहचान है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, यही दौलत है, इसको मत छीनो हमारे पास से, तो कोई मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं था हिंदुस्तान की लोकसभा में। मैं अकेला खड़ा हुआ था वहां पर, सबके पास गया जाकर बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 15 के खिलाफ है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मगर कांग्रेस पार्टी सुनने तैयार नहीं थी। कांग्रेस पार्टी के एक एमपी है, मौलाना असरारुल हक उनका नाम है, दारुल जोबन के आमिला के रुकन है, किशनगंज सीमांचल के एमपी है, मौलाना ने खुद स्टेटमेंट दिया कि मेरी पार्टी ने मुझसे कहा कि आप तकरीर नहीं कर सकते। तो फिर दस के लोगों ने पूछा मौलाना आप लोकसभा में क्यों नहीं आए वोट देने, इख्तलाफ देने के लिए, तो मौलाना ने कहा मैं ट्रैफिक में फंस गया था। आप बताओ मेरे भाई कौन था हिंदुस्तान की लोकसभा में जो हमारी और आपकी शनाख्त की लड़ाई लड़ रहा था। मैं अकेला खड़ा हुआ था वहां पर, मैंने अमेंडमेंट पेश किए, एक भी कांग्रेस का एमपी उठ के मेरे अमेंडमेंट की तारीफ नहीं किया, कोई तारीफ नहीं किया, मैं अकेला अपने अमेंडमेंट मूव करता गया, मैंने अपने ओली और डाल दिया। मेरे भाई मेरी जिंदगी का सबसे गमगीन दिन है वो, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, मगर इतना गमगीन दिन अगर मेरी जिंदगी में कभी आया तो उस हिंदुस्तान के हमारी लोकसभा में जहां पर गरीब और मजलूम आवाम की इज्जत और नामूस के तहफ्फुज़ का ऐलान होता है, वहां पर हमारी धज्जियां उड़ाई गई और कांग्रेस पार्टी खामोश बैठी रही। बताओ आप, और आकर आप बोलते हैं सेकुलर कम्युनिज्म की आप बात करते, जब ये बिल पेश हुआ तो तुमने बीजेपी की तायीद की और हम और आपने मिलकर सारे हिंदुस्तान में एहतजाज किया, हमारी इज्जतदार माँ और बहनों ने रोडों पर निकलकर खामोश जुलूस निकाला, हमने अपनी जमहूरी अंदाज में अपनी नाराजगी का इजहार किया। मगर जब ये बिल लोकसभा में आया, जाकर देखो आप YouTube के ऊपर हर चीज है, मैं कोई भी बात आपके सामने गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये जो खेल खेल रही है कांग्रेस पार्टी, कैसे कम्युनिज्म कम्युनिज्म ने बीजेपी, तुमने बीजेपी में क्या फर्क है बताओ मेरे को, तुमने और बीजेपी में क्या फर्क है। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर जब मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी कैबिनेट में वजीर थे, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस सलमान खुर्शीद साहब ने क्या कहा, सलमान खुर्शीद साहब ने कहा कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से भरे हुए। पूछो सलमान खुर्शीद साहब को, बुलाओ कर्नाटका में इलेक्शन में 10 तारीख से पहले सलमान साहब को बुलाओ, पुलिकेश्वर नगर में जलसा कराओ, चैलेंज करता हूं मैं कि सलमान खुर्शीद ने नहीं कहा कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से भरे, ये मैं नहीं सलमान खुर्शीद ने कहा। बताओ सिद्धाराम भैया कौन फिरका परस्त है, इसको जहन में रखो आप, इसको सोचो आप। अरे मेरी बात की फिक्र मत करो, मैं एक दीवाना हूं, मेरी फिक्र मत करो, मेरी जिंदगी का मकसद कोई मिनिस्टर बनना नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद कोई सियासत के ऊंचे बंगलों में जाकर रहना नहीं है, मेरी जिंदगी का मकसद एक ही है कि मजलूम आवाम को उनका हक मिले, हम इज्जत की जिंदगी गुजारे, कोई हमारी तरफ करना दे, ये मेरा काम है। इन्हों आके मेरे बारे में बोल रहे, उन्हों आए आए, अरे कांग्रेस के जो करो, मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, मैं कोई गार्ड लेके नहीं फिरता हूं, मैं अकेला फिरता हूं पब्लिक में आवाम में, और मुझे मालूम कि जिस दिन मेरी जिंदगी का चिराग गुल होगा तो मारने वाला फैसला नहीं करेगा, अल्लाह करेगा। अरे कांग्रेस के नौकरा इन है इनके तरफ चार चार क्या था बंदूक बंदूक टाए 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 करके चले जाते,
वो गरीब बोलता क्या है भाई ये? मेरे भाई, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूँ, आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि 12 तारीख के दिन सुबह केवल इन सातों में आप अपना एक एक कोट आपके भाई जनाब के लिए और डालें और जेडीएस को कामयाब करें। उम्मीदवार आप हैं, कैंडिडेट आप हैं, ये इनकी कामयाबी से ज्यादा पुलकेश्वर नगर के गरीबों की कामयाबी होगी। ये जेडीएस से ज्यादा आपके उम्मीदों के ख्वाब को पूरा करने की कामयाबी होगी। यही चंद गुजारिशात मैं आपके पास आया हूँ रखने के लिए। ये बीजेपी का अब इंशाअल्लाह ताला डाउन हो रहे हैं। मिस्टर मोदी जा रहे हैं।